हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी करप्ट पेन ड्राइव और यूएसबी मेमोरी कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, पावर ISO। अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं पता है और कहाँ से वो डाउनलोड होगा, तो उसका मैंने लिंक आपको आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप उस वीडियो को देखकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको आपको ओपन करना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यस करूँगा। यस करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको करना है कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। उसके बाद में फिर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे दिस पीसी में जाके मेरी मेमोरी कार्ड को। तो जैसे कि ये मेरी मेमोरी कार्ड है, ये यहाँ पर सिर्फ 3.66 MB बता रहा है, बल्कि ये मेरी जो है 29 GB की पेन ड्राइव है, मतलब 32 GB की पेन ड्राइव है। तो इसको आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का। टूल्स के ऑप्शन पे जाने के बाद में, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है करप्ट पेन ड्राइव को रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो एक कमांड प्रॉम्प्ट पे था जिसमें कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती थी। आप कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए आप उस पेन ड्राइव को करप्ट से मतलब बिल्कुल सही कर सकते थे। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही में मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में स्पेस नहीं है किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। तो आप इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है क्लीन USB ड्राइव। तो आप यहाँ पर क्लीन USB ड्राइव पर जाएंगे, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आपको कौन सी USB ड्राइव को जो है फॉर्मेट करना है। तो जैसे कि अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर 3 से 4 पेन ड्राइव लगी हुई है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे उस पेन ड्राइव को, तो किसी भी दूसरी पेन ड्राइव को वो फॉर्मेट कर देगा, जिससे कि आपका जो उस पेन ड्राइव का डेटा है वो सारा इरेज हो सकता है, मतलब कि डिलीट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में क्लीन USB ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो पूरा डेटा है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो पहले ही हमारा करप्ट हो रखा है, तो ठीक है, होने दीजिए। उसके बाद में आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मतलब बता रहा है ये क्लीनिंग USB ड्राइव, प्लीज़ वेट। जैसे कि इसने क्लीन कर दिया है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। क्लोज़ करने के बाद में फिर मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद में फिर यहाँ पर दिस पीसी में बताऊँगा आपको, यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव शो हो रही होगी, जैसे कि ये मेरी पेन ड्राइव है। तो इसको मैं यहाँ से वापस से फॉर्मेट करूँगा, पूरा रीस्टोर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पर मेरा जो 29 GB का जो स्टोरेज है वो वापस से आ चुका है, मतलब कि पहले 3 MB ऐसा कुछ बता रहा था, लेकिन मेरी 32 GB की पेन ड्राइव है, तो ये यहाँ पर वापस से आ चुकी है, ये पूरी मतलब सही हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी करप्ट पेन ड्राइव या फिर कोई सी भी USB कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड को आप इस तरह से जो कि करप्ट हो चुकी है उस रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब कि वापस से उसको सही कर सकते हैं फॉर्मेट करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।